बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई करी है राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने। उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हुआ। राज्यसभा में इन 8 सांसदों ने हंगामा किया था और सभापति की बेल में घुसकर कृषि विधेयक को लेकर हंगामा हुआ था और कुछ पेपर्स फाड़े गए थे और इस तरह की तस्वीर बेहद ज्यादा गंभीर स्थिति उस वक्त पार्लियामेंट में खड़ी हो गई थी और राज्यसभा की जो पूरी प्रोसेसिंग है उसको 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि काफी हंगामा राज्यसभा में हुआ था। अब ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई करी राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने। 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। उस समय सीट पर उपसभापति हरिवंश थे और उपसभापति के सामने इन सांसदों ने वेल में घुसकर जिस तरह का हंगामा किया था उसके बाद सभापति वेंकैया नायडू खासे नाराज नजर आए और उन्होंने 8 सांसदों के खिलाफ ये कार्रवाई करी, 8 सांसदों को निलंबित। देखिए उस दौरान की तस्वीर है, ये उस दौरान की तस्वीर है जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, कुछ कांग्रेस के सांसद इन सब ने मिलके ये हंगामा किया था। ये अपनी सीट से उठकर आ गए थे, कृषि विधेयक को लेकर ही हंगामा कर रहे थे संसद के अंदर और वेल में घुसकर इन्होंने जिस तरह का हंगामा किया उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है।